डाइनिंग टेबल पे जा बैठे अगर मैंने छोड़ दिया छोड़ू छोड़ दू मैं छोड़ रही हूँ छोड़ू देख ले सोच ले अभी तो मैंने बिल्कुल भी छोड़ा नहीं मेरे को लगी है वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग एंड हैप्पी शिवरात्रि टू एवरीवन। जी हाँ, आज है शिवरात्रि है और मैंने सोचा क्यों ना शुरुआत की जाए व्लॉग की मंदिर जाके। तो चलते हैं मंदिर और व्लॉग की करते हैं शुरुआत। यूवी को भी रखने दो, यूवी आप भी रखो बेटा, शिव जी को दे दो, वहाँ पे रखो ऊपर। वेरी गुड, गुड बॉय। तो गाइस पूजा हो चुकी है संपन्न, अब चलते हैं ऊपर करते हैं ब्रेकफास्ट। और आज शिवरात्रि की छुट्टी है दोनों बच्चों की, तो दोनों बच्चे घर पे ही रहने वाले हैं। तो लेट्स सी आज क्या रहने वाला है, कैसा रहेगा दिन। तो सो गाइस, क्योंकि आज शिवरात्रि और छुट्टी है, बच्चे भी घर पे हैं, तो हमने सोचा कि कुछ स्पेशल बनाते हैं। तो आज ब्रेकफास्ट में बनाई है पाव भाजी और यहाँ पे बन रही है चाय। ब्रेकफास्ट हो चुका है और ये देखो त्रिशूल का टीका लगा है हमें मंदिर से। यूवी को भी लगा है, यूवी भी गया था। ओ, इसका थोड़ा सा उतर रहा है बट लगा है ना। देखा आपने, आपने तो देखा ही नहीं था, अभी कैमरे में ही देख रहा है सीधा। अच्छा लग रहा है ना, है ना, ये गंदी गंदी। और ये महाशय जी सो रहे थे तो ये तो रह गए मंदिर जाने से। अब नहाएगा तो मैं ले चलूंगी मंदिर, चल। अब आज छुट्टी है इनकी, अब तो 3 दिन की छुट्टी हो गई, सैटरडे संडे क्लब हो के इन्होंने तो फ्राइडे संडे। ये खाएंगे मेरा सिर और घर में करेंगे बहुत ज्यादा मस्ती। अच्छा नहीं, टीवी मेरे साथ मशीन में कपड़े कौन डालेगा भैया, ये कुछ नहीं करता, इसको छोड़ रहने दे। फिर पहले क्लोज डलवा दो, मशीन स्टार्ट कर देते हैं, फिर मंकी वाला चला दूंगी। मैं पहले मंकी वाला, फिर मैं जाके अपना काम कर रही हूँ, आप देख लो मंकी। मेरे साथ कोई नहीं चलना, मैं करूंगा आपके कपड़े चेंज। चेंज नहीं करने, क्लोथ उसमें डालने हैं, मशीन में डालने हैं चेंज। यूवी को तो देखना है टीवी, वो अपना टीवी देख रहा है और दर्श करेगा मेरी हेल्प। चल आ जा दर्श, चल ना। रूम सेट करते हैं, ये ब्लैंकेट फोल्ड कर पाएगा ना, नहीं। इधर आ जा मेरी गुड्डू, चल ये ब्लैंकेट कर देगा फोल्ड, ये भी कर पाऊंगा, ये कोई लॉजिक ना हुआ। सेटिंग वेटिंग हो गई है रूम की, अब खा रही हूँ मैं मेडिसिन। और दर्श ने मेरी बहुत हेल्प कराई, आज यूवी ने मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कराई। यूवी मेरी बस मेडिसिन खिला देगा, ये काम कर देगा, ये और कुछ नहीं कर सकता है ना। मेडिसिन भी भैया खिलाएगा, अब आप नहीं खिलाओगे। मैं नो खिलाऊंगा, क्या आपने मेरी हेल्प नहीं करी आज बिल्कुल भी? आपने मेरी हेल्प करी आज? फोल्ड
रेनफॉल इतना ज्यादा हो रहा है, इतना ज्यादा हो रहा है कि मतलब अंदर काम करना तो पॉसिबल ही नहीं है. अंदर बहुत ज्यादा बाल बाल हो जाते हैं, बाहर भी इतना बुरा सारा. यहाँ पे अब नीचे चलना है तो पहले बैग रेडी करना पड़ेगा ना. अच्छा चलो करते हैं. मैं एप्पल एप्पल डाल देती हूँ, बनाना भी रख देती हूँ. तो बैग तो लेके आओ और मंदिर वाले रूम में पड़ा जाओ लेके आओ. जा रहे हैं प्ले एरिया में. यूबी को लेकर बड़ी देर से परेशान हो रहा था. दर्श का तो टाइम अप हो गया, वो ऊपर खाने गया है कुछ. और तब तक यूबी थोड़ा सा प्ले कर लेगा, फिर उसके बाद चलेंगे ऊपर. अब थोड़ी सी ना हवा चल रही है ठंडी, तो इसलिए आज मैंने भी जैकेट पहन लिया. सुबह तो नॉर्मल सूट ही पहन रखा था. सपोर्ट लगी हुई है ना, इसलिए हीरो बन रहा है ज़्यादा कि एक हाथ से चला रहा है साइकिल. एप्पल खा लो फिर करना स्लाइड, नहीं तो एप्पल खराब हो जाएगा. आप साइकिल साइकिल चलाने आए हैं, साइकिल तो वहां पे भी चला सकते हैं, फिर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ये तो कॉपी कैट हो गए ना फिर तो. आप कॉपी कैट हो आप? स्लाइड नहीं करनी आपने? स्लाइड नहीं करनी है, माफ करनी है तो चढ़ना. माफी गार्ड भी हटवा देंगे. ले आ फिर जा. नमस्ते भैया. उतारो आप, उतरो फिर मैं उतारती हूँ. चलो आगे दो साइकिल आके मेरे हाथ में. थोड़ा यूवी को प्ले एरिया में तो आना होता है, लेकिन यहाँ पे आके महाशय जी स्लाइड और स्विंग्स मतलब खेलने से ज़्यादा ना ऑब्जर्व करते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है. बस वही करने आते हैं महाशय जी को, ऑब्जर्वेशन करनी है और कुछ भी नहीं करना. यूवी आप खेल लो यार, स्लाइड कर लो. इधर आ, तुम मेरे पास आ, पहले इधर आ. इसे पार्किंग में लगानी है, लोगों की गाड़ियाँ भी देखते हैं. युवा आती है आपको चलानी? बैठोगे? बैठो बैठो. चले हम घर चले. कहाँ चलना है? क्लब में क्या करना है यूवी? अब ऊपर चलते हैं ना. नमस्ते भैया. इनको ना घर में मन नहीं लगता इनका, बस सारा दिन घुमाते रहो बस इनको. यहाँ क्या कर लोगे? है कुछ यहाँ पे आपके लिए? स्विमिंग पूल में नहाना है. स्विमिंग पूल अभी ओपन नहीं हुआ है. कोई कर रहा है स्विमिंग? आ जाओ देख लो ना, बच्चे यहाँ पे है ना बड़े, क्योंकि स्विमिंग पूल अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तो डर्टी हुआ पड़ा है बहुत ज्यादा. बेटा अभी स्टार्ट नहीं हुआ ना राजे, नहीं हुआ अभी स्टार्ट. तुम सुनते क्यों नहीं हो किसी की बात? कहाँ स्टार्ट है? कोई कोई स्विमिंग कर रहा है?
चलो अब यूवी चलो करो। चलो वन स्लाइड कर, क्यों मैं यहीं खड़ी, जल्दी जाओ। वेरी गुड, वन स्लाइड करके आ गए आप, गुड बॉय हो। आपने वन बोला तो वन किया आपने, है ना, गुड बॉय हो आप तो। बस फाइनली ये मान गया घर जाने के लिए और अब हम घर जाके करेंगे लंच और मैं थोड़ी देर करूंगी रेस्ट, तो शाम को देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। जैकेट पहन के तो चले गए नीचे, पर इतनी गर्मी हद से ज्यादा हो, यूवी की तो मैंने उतरवाई है तो उतार नहीं रहा था, पर गर्मी बहुत थी यार नीचे। मतलब थोड़ा सा ना वेदर चेंज हो चुका है नो डाउट, पर अभी तो मुझे सबसे ज्यादा खतरा इस चीज का है कि जैसे वेदर चेंज होता है सबसे बड़ा सियापा जो कपड़ों का होता है ना, कि गर्मी के कपड़े रखने हैं, सर्दी के निकालने हैं, सर्दी के रखने हैं, गर्मियों के निकालने हैं, इन सब चीजों का जो भाई एक अलग ही लेवल का सियापा है यार, सीरियसली बता रही हूँ, मेरे को तो दहशत हुई पड़ी है कब ये करना पड़ेगा। एक ही बारी करके खत्म करेंगे। क्या हो रही कल तो यूवी ने हाफ होमवर्क कर लिया था, कल कंप्लीट ही कर लिया था, और वैसे तो अभी 3 डेज के हॉलीडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ है बच्चों का, तो कल उसने हाफ होमवर्क किया था और हाफ अभी कंप्लीट कर लेंगे ताकि हमें मतलब होमवर्क का प्रेशर तो ना रहे एटलीस्ट, है ना यूवी, करें होमवर्क। हमारा हो गया लंच टाइम, मतलब मैं तो अभी फ्रूट खा रही हूँ, यूवी को लंच करा देती हूँ और यूवी गेम खेलते खेलते करेंगे लंच। वाओ, ये यूवी का न्यू आईफोन है? नहीं। क्या है फिर ये? वीडियो गेम है। वीडियो गेम है यूवी की, वाओ। तो गाइस आज हमने बनाई है खिचड़ी और मैं अभी पापाया बच्चों का स्क्रीनिंग टाइम जो है वो बिल्कुल ओवर करने वाली हूँ मैं, मतलब पूरे दिन में हाफ एन आवर देखेंगे और वो खाने के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं, तो इसीलिए मैं दर्श के साथ बैठ के बातें कर रही हूँ ताकि वो आराम से खाना खा सके। तो गाइस हमारा लंच हो चुका है, ये पीछे जो लगा हुआ है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ एक बारी, ये है दर्श की क्रिएटिविटी, एक्चुअली दर्श ने ये भी बनाया है, ये सब दर्श ने बना रखा है, वाओ। लेकिन ये इसने इतनी सही चीज लगाई है ना, मतलब मुझे तो बहुत ही पसंद है एक्चुअली। दर्श आप एक्सप्लेन करोगे, मैं ही कर दूं? मैं करता हूं। चलो, ये होता है एक वॉइसोमीटर जिसमें आपकी आवाज नंबर 1 पर होता है पार्टनर टॉक, नंबर 2 पर होता है टेबल टॉक और पर होता है आउटडोर टॉक, और ये होता है अभी वॉइस लेवल होना चाहिए पार्टनर टॉक। पार्टनर टॉक का मतलब क्या होता है कि मतलब हम दो जने आपस में बात कर रहे हैं, और टेबल टॉक, टेबल टॉक होता है पूरी टेबल पे आवाज जानी चाहिए बस वहाँ, उतनी ही जानी चाहिए और कहीं नहीं जानी चाहिए। आउटडोर में होता है कि जब तुम चिल्लाए तो ये लेवल चला जाएगा 3 नंबर पे, जब ये बहुत ज्यादा चिल्लाता है ना, जब आवाज घर से बाहर चली जाती है दैट मीन्स वो नंबर 3 है, और वो लेवल मैं इसका यहाँ पे ऐसे कर दूंगी, एरो, एम आई राइट? और अभी हमारी कौन सी पार्टनर टॉक्स चल रही है, मतलब हम आपस में, पर ये टेबल टॉक ही है बेसिकली, यूवी भी तो सुन नहीं पा रहा है, तो फिर इसको टेबल टॉक पे। ये देखो, हे भगवान, यूवी आप क्या कर रहे हो, मतलब हम आपस इसे भी इतनी सी स्टॉल में तुम दोनों जने घुस जाओगे, वाह वाह, हद हो गई यार। अरे रुक जा दर्श, नहीं 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 भाई, नहीं 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 भाई नहीं। तो गाइस आज छुट्टी है तो इनकी मस्ती तो चलेगी ही चलेगी, अभी ऐसा है कि सीन इसकी फुटबॉल क्लास का टाइम होने वाला है, फुटबॉल क्लास की छुट्टी आज नहीं है, तो अभी ओ क्या कर रहे हो तुम ये, अरे बाप लग जाएगी और छूट गया ना तू, जा पड़ेगा दूसरा रूम में, तो यार ये तो लॉक भी नहीं एंड करने देंगे मेरे को, तेरे को खींचो तेरी तरफ, तू ही खींच ले फिर अपनी तरफ, तो यूवी लग रही है और डाइनिंग टेबल पे जा बैठेगा, अगर मैंने छोड़ दिया, छोड़ू मैं, छोड़ रही हूँ, छोड़ू देख ले सोच ले, अभी तो मैंने बिल्कुल भी छोड़ा नहीं, मेरे को लगी है ब्लॉग एंड करने दो, बस एक मिनट चुप हो जाओ, लेवल अप हो गया भाई, लेवल अप हो गया, आउटडोर टॉक हो गई है।
ये लोग इतना शोर मचा रहे हैं, व्लॉग भी एंड नहीं करने दे रहे मेरे को। खैर एनीवेज मैं ये कह रही थी कि आप लोग मेरी रील्स को जितना प्यार दे रहे हैं उतना ही मेरे व्लॉग्स को भी दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बच्चों के साथ व्लॉग बनाने की। और ये इसलिए नहीं कह रही मैं कि मतलब आपको लगेगा ये तो हम थोड़ी कह रहे हैं व्लॉग बनाओ, ऐसा तो होता है, बट स्टिल मुझे ऐसा नहीं है, मेरा ये पैशन है, मुझे अच्छा लगता है। बट जब आप मेरी रील्स को लाइक करते हो ना तो मुझे बहुत ही खुशी होती है, ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए होता है बेसिकली। और प्लीज व्लॉग को पूरा देखा कीजिए, ताकि रिकॉर्डिंग करने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो अगर आप मेरा व्लॉग ही पूरा नहीं देखोगे तो फायदा ही नहीं है कुछ करने का। और आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, होप यू लाइक दिस व्लॉग, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव फन, जय माता दी, अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, बाय बाय।